So welcome everyone. I will request everyone to start their Windows, Microsoft Word, so that we can practically perform all the operations that I'm going to discuss here today. I have shared the holiday timetable, holiday calendar of our institute. So on those holidays, the classes will not be held. And so today we'll start. We'll perform some activities. Hopefully, you are able to see the MS Word that I have opened. सबको दिख रहा है होपफुली. सो वी हैड सीन अबाउट द होम टैब एंड we had seen about the insert tab a little bit, where we inserted a table and performed the necessary operations related to the to how to create the research papers, how to create tables, and how to label and create tables, label and create images, figures in our research paper. So the tables are very one of the very useful tools that we have. Also, we had seen about the page break, blank page, page break, and that I just gave you a brief idea of how to insert a column, a section break from here, from layout. I had given some idea ki layout में जाने के बाद आप जो है सेक्शन ब्रेक ऐड कर सकते हैं. सेक्शन ब्रेक ऐड करने से यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इन बिटवीन. सो कहीं पे जो है पोर्ट्रेट है, कहीं लैंडस्केप है, तो आप उसको ओरिएंटेशन को जो है अपने मर्जी से वेरी कर सकते हैं. बट इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ड्यूरिंग व्हेन यू क्रिएट योर रिसर्च पेपर्स देयर यू माइट बी रिप्रेजेंटिंग सम डेटा विच इज a huge amount of data which cannot be accommodated in portrait, then you have to put landscape in between the pages. So आपको सेक्शन ब्रेक लगा के यहाँ पे जैसे सेक्शन ब्रेक दिया है, सेक्शन ब्रेक लगा के नेक्स्ट पेज या कंटिन्यूअस दोनों को आप यूज कर सकते हैं टू इंसर्ट द टू चेंज द ओरिएंटेशन. एंड जनरल सेटिंग्स में जो है, लेआउट में जो है, जनरल सेटिंग्स में आप ऑब्जर्व करेंगे नॉर्मल मार्जिन्स हैं, नैरो मार्जिन्स, मॉडरेट मार्जिन्स. सो ये जनरली अब मार्जिन्स को ज़्यादा हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, बट वी कैन कस्टमाइज द मार्जिन्स. कस्टमाइज मार्जिन का ऑप्शन आपके पास जो है लेआउट में जाने के बाद मार्जिन्स में जाएंगे. मार्जिन्स में जाने के बाद कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा. यहाँ पे जाने के बाद यू कैन सेट द मार्जिन. देखिए यहाँ पे मार्जिन जो है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है. सो कई बार क्या होता है कि सम रिसर्च जर्नल्स दे इंसिस्ट ऑन द मार्जिन्स, स्पेसिफाइड मार्जिन्स. सो यहाँ से आप मार्जिन्स को सेट करेंगे सेंटीमीटर्स में. कई बार इंचेस में दिया रहता है तो उसको आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वॉट एवर मार्जिन्स यू आर सेटिंग हियर, जो भी है टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, उसको अप्लाई टू द होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कर सकते हैं. जनरली होल डॉक्यूमेंट पे ही करना रहेगा. सो वी डोंट नीड टू सेट दिस सेटिंग because generally the entire document has to be set with a particular margin according to the need of the research journal in which you are going to publish the paper. So यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं. सो 2.54 जो है ये स्टैंडर्ड A4 साइज के लिए है. ये मार्जिन सेट किया हुआ है. देखिए यहाँ पे रूलर है, रूलर से आप पता लगा सकते हैं ये 2.54 के आसपास सेंटीमीटर्स है. सो दिस लेआउट में जाके आप मार्जिन को सेट कर पाएंगे. लेआउट में जाके ओरिएंटेशन, सॉरी, ओरिएंटेशन को भी सेट कर पाएंगे. एंड ऑल्सो यू कैन सेट द साइज ऑफ द पेपर फ्रॉम लेआउट इटसेल्फ. सो हियर गोइंग टू द लेआउट यू कैन सेट द साइज. जनरली इट इज A4 साइज, एक स्टैंडर्ड साइज है. बट सम इन सम वे से आपको और कुछ रिक्वायरमेंट है. जनरली जो अपना जो रिसर्च पेपर्स होता है वो A4 साइज के ही सेटिंग्स में रहता है सब कुछ. और बाकी अगर आपको सेटिंग्स यहाँ से करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं.
ये ज्यादा काम का है नहीं, बिकॉज ए फोर साइज इज द डिफॉल्ट साइज, बट इज दैट इज इनफ फॉर अस. देन आई हैड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट यू अबाउट द कॉलम्स. ये हम लोग ने डबल कॉलम, जनरली रिसर्च पेपर्स में डबल कॉलम रहता है जर्नल्स के लिए, और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सिंगल कॉलम रहता है. तो डबल कॉलम जो है वो IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से डबल कॉलम्स यूज किया जाता है, इट इज जनरल कॉन्वेंशन है. सो अगेन यहाँ पे भी जो है, जिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको डबल कॉलम चाहिए या सिंगल कॉलम चाहिए, जनरली जो है एंटायर रिसर्च पेपर हैज टू बी पुट इनसाइड डबल कॉलम. सो आई विल जस्ट गिव यू अ सिंपल सिंपल एग्जांपल. लेट मी गैदर सम टेक्स्ट, एक सेकेंड. आई विल जस्ट, एक सैंपल पेपर जो है, आई एम सेंडिंग इट इन द इन योर ग्रुप. यू कैन यूज दैट, द कंटेंट्स फ्रॉम दैट. अभी मैं सेंड कर रहा हूँ. ये एक सैंपल पेपर है, पीडीएफ है, आप इसको ओपन कर लीजिए. पीडीएफ को ओपन करने के बाद आप इसके कंटेंट्स को कॉपी कर सकते हैं. सो आई विल सजेस्ट दैट, एक सेकेंड. ओपन करते हैं. ये कंटेंट को शायद मेरे को कॉपी करने दे नहीं रहा है, एक सेकेंड. आई एम अनेबल टू कॉपी द कंटेंट. और भी कोई तरीके से देख लेते हैं, कोई बात नहीं. इसमें मुझे कंटेंट कॉपी करने नहीं दे रहा, डजेंट मैटर. आई विल जस्ट सर्च समथिंग फ्रॉम द वेब. आप लोग जो है, पीडीएफ आप सबको मिल गया है, ओपन करके देखे हैं क्या, कॉपी हो पा रहा है क्या कंटेंट? नो सर, कॉपी नहीं हो रहा कॉपी है. नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. लेट मी सर्च सम कंटेंट हियर फ्रॉम द वेब. आई एम सर्चिंग. से आप लोग भी सर्च करके देख सकते हैं, कोई भी कंटेंट आप उसमें से सर्च कर लीजिए. मैं फजी लॉजिक पे कुछ सर्च कर रहा हूँ कंटेंट. सर रैंडम वर्ड भी ले सकते हैं ना पैराग्राफ के थ्रू? हाँ, कोई भी आप ले लीजिए. जो है, जस्ट आई वॉन्ट टू डिस्प्ले, आई वॉन्ट टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज एक्चुअली. मैं जस्ट, वी वॉन्ट सम डेटा एक्चुअली. कोई भी या टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा हमको चाहिए. जो सो मैं वर्ड में होता है सर, उसकी बात कर रहा था मैं. किस चीज का? रैंडम जो होता है सर पैराग्राफ, जैसे मैं चाहिए इक्वल टू RAND करके अपन लिखते हैं, हाँ, और उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो हाँ हाँ जाएगा. ये इसकी ठीक, बात कर रहा था. मैं या एक्चुअली रिसर्च पॉइंट ऑफ, रिसर्च पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था. तो ये मैंने कॉपी किया, देखिए ये जो है, ये कंटेंट मैंने जो है कॉपी किया है फ्रॉम द वेब. होपफुली सबको दिख रहा है क्या? यस सर, हाँ, विजिबल सर. ठीक. यस सर. थैंक यू, थैंक यू. सो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, से इंट्रोडक्शन के बाद पॉइंट ऑनवर्ड्स, आई वॉन्ट द एंटायर टेक्स्ट टू बी इन डबल कॉलम. एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट जो है वो सिंगल कॉलम में है. एक्सट्रैक्ट के बाद में जो है, आई वॉन्ट द एंटायर कंटेंट टू बी इन डबल कॉलम. सो यहाँ से व्हाट आई विल डू, कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आके इसके ऊपर एक काम करते हैं, जहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है, जहाँ शुरुआत है इंट्रोडक्शन का, से लेट मी शेयर दिस. एक सेकेंड ना, मैं शेयर भी कर देता हूँ इस कंटेंट को, सो आप लोग को इमिडिएटली हेल्प मिल जाएगा. आई विल शेयर दिस कंटेंट. सो दिस इज द डॉकेक्स फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल है, तो ये आपको आसान पड़ जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट डॉट डॉकेक्स करके मैंने अपलोड कर दिया है, अपने ग्रुप में एक बार देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए.
सो दैट ऑल ऑफ अस विल बी इन द सेम पेज. ठीक, सबको मिल गया है क्या कंटेंट? यस सर, यस ठीक सर. ठीक चलिए. सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज टू मेक टू कॉलम फॉर्मेट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑनवर्ड्स. एब्स्ट्रैक्ट वाला कई बार ऐसे होता है कि कुछ आपके रिसर्च पेपर्स जो जर्नल्स होते हैं उसके रिक्वायरमेंट होता है कि आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट जो है वो आपको वो जनरली दे गिव द फॉर्मेटेड डॉक डॉकेक्स फाइल डॉक डॉट डॉक फाइल आपको दिया जाता है. उसमें आप अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो वो भी चलता है. लेकिन इन सम कंडीशंस आपके पास ऑलरेडी मैटर तैयार रहता है, फिर आप उसको कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसमें. कई बार ठीक से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है. तो फॉर दैट द वेरी सिंपल वे जो है कैसे करना है इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ. एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट सिंगल कॉलम फॉर्मेट में है. इंट्रोडक्शन ऑनवर्ड्स आई वॉन्ट इट इन ए डबल कॉलम फॉर्मेट. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के शुरुआत में जहाँ पे कर्सर देखिए यहाँ पे क्लिक ब्लिंक हो रहा है 1 के लेफ्ट साइड में, वहां पे ले जाएंगे. और लेआउट में आने के बाद आई विल हैव टू इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक. देखिए सेक्शन ब्रेक में गया हूं मैं. लेआउट में जाने के बाद वी हैव गॉन टू द ब्रेक्स ऑप्शन वेयर आई एम गोइंग टू इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक. अब नेक्स्ट पेज करेंगे तो न्यू पेज क्रिएट होगा, उसके अंदर सेक्शन ब्रेक आएगा. कंटिन्यूअस करेंगे तो उसी पॉइंट ऑनवर्ड्स आपका सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने इसको सेक्शन ब्रेक जो है कंटिन्यूअस में क्लिक किया है. तो लेआउट में जाने के बाद ब्रेक्स में जाएंगे, ब्रेक्स में जाने के बाद कंटिन्यूअस में क्लिक करेंगे. सो हियर द सेक्शन ब्रेक हैज बिन इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, आ गया यहाँ पे सेक्शन ब्रेक. और यहाँ पे फिर मैं आई विल सिलेक्ट डबल कॉलम फॉर्मेट. ठीक, ऑब्जर्व किया सबने अभी मैं कहाँ पे क्या किया. मैंने सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस वाला सेक्शन ब्रेक जो है जैसे अभी देखिए इसमें दिख रहा होगा जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी करते जाएं. तो सेक्शन ब्रेक को हम सिलेक्ट करती है यहाँ पे कंटिन्यूअस करके. और उसी पॉइंट पे जहाँ पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसी पॉइंट पे लेआउट में कॉलम्स वाले सेक्शन में जाके डबल कॉलम टू कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे. सो एज सुन एज यू डू दिट डू इट यू कैन ऑब्जर्व दैट ये पूरा का पूरा कंटेंट आपका इस पॉइंट ऑनवर्ड्स डबल कॉलम फॉर्मेट में फॉर्मेटेड हो गया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सम रिसर्च जर्नल्स, सम रिसर्च सम कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो, वेयर द एब्स्ट्रैक्ट पार्ट इज इन अ सिंगल कॉलम फॉर्मेट एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज इन द डबल कॉलम फॉर्मेट. सो सभी लोग करके देख लिए हैं क्या, सबका हो गया है? सर सर, प्लीज हो गया सर, हो गया सर, सर ओके कर रहे सर, कर रहे सर, ओके जी कर रहे हैं सर अभी. जी 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 ठीक है, करते जाइए. मैं फिर से उसको करके बता रहा हूँ. अगेन आई एम डूइंग इट. सो आपके पास वो डॉक फाइल है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट सिंगल कॉलम में है और इंट्रोडक्शन ऑनवर्ड्स हमको डबल कॉलम में चाहिए. तो इंट्रोडक्शन के 1 डॉट इंट्रोडक्शन जो लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक किया जहां पे कर्सर अभी ब्लिंक हो रहा है. यहां पे क्लिक करने के बाद हम जो है लेआउट में जाएंगे. कर्सर अभी भी ब्लिंक हो रहा है, देखिए इस पॉइंट पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है. ठीक है, जहां 1 लिखा है उसके लेफ्ट साइड में. देन वी विल गो टू द लेआउट. इन द लेआउट वी विल गो टू ब्रेक्स. इन द ब्रेक्स वी विल गो टू द सेक्शन ब्रेक पार्ट वेयर वी विल सिलेक्ट द कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक. कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक को सिलेक्ट करेंगे. ये सबका हो गया है? यस ओके, आई विल रिक्वेस्ट एनी वन हु इज अनेबल टू फॉलो प्लीज आस्क मी, आई विल रिपीट द स्टेप्स. ओके, यहां तक होपफुली सबका हो गया है. सो कंटिन्यूअस पे जाके मैं क्लिक कर दूंगा. सो दिस विल क्रिएट अ सेक्शन ब्रेक हियर. कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक जो है इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड हियर. वो हमको दिख नहीं रहा है पर इट विल बी देयर. उसके बाद फिर आप कॉलम्स में जाएं. देन वी विल गो टू द कॉलम्स सेक्शन. वहां पे टू कॉलम फॉर्मेट पे जाएंगे. कॉलम्स में जाके टू कॉलम्स में जाना है. सो व्हेन वी क्लिक द टू कॉलम, इसको क्लिक कर दीजिए. सो एज सुन एज वी क्लिक इट ऑब्जर्व दैट द एंटायर कंटेंट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑनवर्ड्स हैज बीन कन्वर्टेड टू टू कॉलम फॉर्मेट.
So this is very much required in some journals. There is some conditions given in the journal जैसे ऐसे ही format में करना पड़ेगा, तो ये आपको काफी help करता है आपके content को manage करने में. होपफुली सबका हो गया है. इसमें किसी को कोई डाउट है या रिपीट करवाना है क्या? नो सर. नो सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए, सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू लेआउट्स. देन और क्या रिसर्च रिलेटेड मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ. चलिए एक बहुत सिंपल सा एक जो है वो ले मतलब एक जस्ट फॉर योर एक हेल्प हो जाता है बस. जैसे व्यू वाले फॉर्मेट में जैसे व्यू वाले ऑप्शन में जैसे हम आएंगे वहां पे वेब लेआउट करके एक ऑप्शन है. इसको हम जनरली तब क्लिक करते हैं जब हम HTML पेजेस को वर्ड में देखना चाहते हैं. तो उस समय जो है जैसे आप HTML पेज को राइट क्लिक करके ओपन वर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वेब लेआउट पे खुल जाता है. तो वेब लेआउट क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये सिंगल कॉलम फॉर्मेट में जैसे आता है. सो यू कैन ऑब्जर्व कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेक योर कंटेंट इन यू हैव टू पब्लिश योर कंटेंट एज HTML. तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि आप जो है व्यू पे आके वेब लेआउट पे क्लिक कर दीजिए. अभी जो है हमारा प्रिंट लेआउट पे क्लिक था, प्रिंट लेआउट सिलेक्टेड था. तो व्यू में अगर वेब लेआउट पे जाते हैं तो एंटायर कंटेंट विल बी विजिबल एज इफ इट इज ए वेब पेज. और ये वेब पेज में जैसे दिखेगा वैसे ही आप इसको देखेंगे यहाँ पे. जैसे मैं इसको अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, अगर फाइल में जाएंगे सो मैंने क्या किया पूरे को वेब लेआउट में कन्वर्ट किया. व्यू में जाके वेब लेआउट को क्लिक किया मैंने. ठीक, व्यू टैब में जाके वेब लेआउट को मैंने क्लिक किया. सो द एंटायर कंटेंट इज लुकिंग लाइक ए वेब पेज एंड आई कैन सेव इट ऑल्सो. तो फाइल में जाके आप सेव एज करेंगे. सेव एज करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे कोई भी फोल्डर जिसमें आपको सेव करना है. अब सेव करते वक्त हमारे पास ये देखिएगा सेव एज टाइप लिखा हुआ है. ठीक, सभी को दिख रहा है ये ऑप्शन, सभी को दिख रहा होगा सेव एज टाइप. यस सर. अब इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको जो है देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगा वेब पेज htm.html ये वेब पेज फॉर्मेट में इसको आप सेव कर सकते हैं. तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए. सर प्लीज रिपीट. हाँ एक सेकंड है, मैं रिपीट कर देता हूँ. सो अभी हम किस में थे, हमारा ये व्यू चल रहा था. मैंने अभी डबल कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया अपना कंटेंट. अभी हम व्यू में जाएंगे. व्यू में जाने के बाद वेब लेआउट पे जाएंगे. व्यू में जाना है, व्यू के बाद वेब लेआउट को सिलेक्ट करेंगे. सो एज सून एज वी प्रेस वेब लेआउट द एंटायर कंटेंट विल बी इन अ सिंगल कॉलम फॉर्मेट एज इफ इट इज अ वेब पेज जस्ट एज इट इट विल लुक लाइक इन अ वेब पेज. इसमें आप जो है इमेजेस वगैरह कोई भी कुछ भी इंसर्ट करवा सकते हैं, वो सब कुछ वेब पेज में आ जाए. जैसे मैं इसमें कुछ इंसर्ट करा देता हूँ समथिंग से सम शेप्स आई वॉन्ट टू इंसर्ट से आई थिंक ये कुछ इंसर्ट करा देता हूँ मैं. ठीक, समथिंग आई हैव इंसर्टेड हियर. कुछ इमेजेस हैं आपके, वो भी आप इसमें जैसे जो भी है आपका पूरा कंटेंट है एज ए वेब पेज आपको रखना है. जहां जहां पे भी आप उसको रखते जाएंगे एंटायर थिंग विल बी अरेंज ऑटोमेटिकली, वो सेटिंग कर लेगा. हमको व्यू में रह के वेब लेआउट में रहना है. वेब लेआउट में रहने के बाद जैसे आपका कंटेंट दिख रहा है आप अगर सेटिस्फाइड हैं दैट द वे इन विच इट इज बीइंग शोन इज गुड, जैसे फॉन्ट वगैरह जो है जो भी आप चाहें उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, फॉन्ट सेटिंग्स आपको करना हो जैसे सिलेक्ट करके आप जो है ये राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग वगैरह आपको मिल जाएगा. आप फॉन्ट वगैरह जो भी चाहें सेट कर सकते हैं. ठीक, सो जनरली टाइम्स रोमन फॉन्ट ही रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है. एंड यू कैन सेट द साइज ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट साइज यू कैन सेट हियर. ठीक है, आपको बोल्ड करना है बोल्ड भी करवा सकते हैं, अंडरलाइन करवाना है तो अंडरलाइन कर दीजिए.
इटैलिक्स करना है तो इटैलिक्स कर दीजिए, व्हाट एवर फॉर्मेटिंग वॉन्ट टू डू अभी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक, सो ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया है हमारे टेक्स्ट का। आई एम सेटिस्फाइड विद द एंटायर थिंग एंड आई वॉन्ट टू सेव इट एज एन HTML पेज। सो हम क्या करेंगे कि इस पूरे कंटेंट को पहले तो वेब लेआउट में देख लेंगे, व्यू में जाके वेब लेआउट में देख लेंगे, पूरा कंटेंट वेब में जैसे दिखेगा वैसे दिखे हमको दिखने लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। ठीक, कहाँ गए हम लोग ने, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद नीचे आएंगे तो सेव एज ऑप्शन आपको मिलेगा। सेव एज ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन में जाने के बाद इट विल आस्क यू टू टू सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू हैव टू सेव द फाइल। सो आई एम सिलेक्टिंग वन ऑफ द लोकेशंस और इन लोकेशंस में से जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं तो वो बोलता है कि फाइल नेम है, सेव एज टाइप है। यहां तक सब लोग आ गए हैं, सेव एज टाइप तक आ गए हैं। सेव एज टाइप के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे उसको, जैसे आप क्लिक करेंगे देयर इज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट वेयर यू कैन सिलेक्ट वेब पेज .htm.html, वेब पेज .htm.html। सो ये फॉर्मेट में वो सेव करेगा। सो वेब पेज सिलेक्ट कर रहे हैं .htm.html। हियर यू कैन गिव द नेम ऑफ द फाइल, यहाँ पे जो है बाय जो आपने दिस, जैसे हमारे हमारा डॉक एक्स फाइल जो था वो एब्स्ट्रैक्ट नाम से था तो abstract.htm करके वो उसको सेव करेगा। ठीक है, वी कैन चेंज इट इफ यू वॉन्ट। अच्छा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट करके जो यहाँ दिख रहा है ये वेब पेज के टाइटल में भी दिख सकता है। ठीक, ये abstract.html जो htm जो है ये वेब पेज का नाम है, लेकिन वेब पेज का जो डिस्प्ले होगा उसका टाइटल, वो उस टाइटल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंज टाइटल करके ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ मेरा अभी कर्सर है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यू कैन सेट द पेज टाइटल। अभी यहाँ पे पेज टाइटल जो है कुछ भी नहीं है, अभी हम यहाँ पे जैसे चेंज पेज टाइटल में कर रहा हूँ एंड हियर आई एम पुटिंग द टाइटल एज माय वेब पेज। सो हियर आई एम पुटिंग द टाइटल माय वेब पेज। सो ओके कर देंगे। सो ऑब्जर्व दैट पेज टाइटल आ गया, यहाँ पे पेज टाइटल आ चुका है। ठीक, अब इसको आप सेव कर सकते हैं तो क्लिक कर दीजिए सेव। ठीक, यहां तक सबका हो गया है। यस सर। ओके देन, यस सर, राइट। ओके देन सेव कर दीजिए। सेव करते ही जो है ये HTML करके सेव, देखिए इसका टाइटल देखिए, इसमें जो ऊपर में दिखेगा लिख रहा है abstract.htm करके लिखा हुआ है। ठीक है, abstract.htm हमारा जो docx फाइल था वो अलग है, ये HTML फाइल अलग है ना। सेव एज किया अपन ने, सेव नहीं किया, सेव एज किया है। सेव करने से ओवरराइट हो जाता। खैर HTML जो है वो तो एक्सटेंशन अलग हो गया, तो docx अलग रह जाएगा और abstract.htm अलग रहेगा। अब आप इसको जो है मिनिमाइज, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, htm.htm करके है। सो आई हैव क्लोज्ड इट। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द abstract.htm जो मेरे पास ऑलरेडी था, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके पास। सर वो टाइटल वाला समझ में नहीं आया, टाइटल कैसे चेंज हुआ? हाँ मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी सब तो आ गया जी, अभी बता देता हूँ। चलिए माई वेब पेज को मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज माई वेब पेज, दिख रहा है ये आ गया, दिस इज HTML फाइल है ना, ये मेरा वेब पेज जो है ये मेरे वेब ब्राउजर पे खुला है, आपके भी वेब ब्राउजर पे खुलेगा जैसे आप उसको डबल क्लिक करेंगे, सो इट विल बी ओपन इन योर वेब ब्राउजर। सो कई बार क्या रहता है, आपके कंटेंट को आपको पब्लिश करना रहता है एज एन HTML, जैसे आप चाहते हैं प्रमोट करना आपके कंटेंट को, सो एज एन HTML आप चाहते हैं वो सबको मिले, सो आपने एक वेबसाइट बनाया है और वेबसाइट में आप अपना कंटेंट को एज ए HTML पेज पब्लिश करना चाहते हैं, सो देयर यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, बहुत आसानी से बन जाता है। अब इसका अगर आप अगर देखें बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारा जो है कोडिंग रहता है, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स का बहुत सारा कोडिंग रहता है इसमें, सो हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस एक क्लिक में हमारा HTML पेज बन जाता है विद नेसेसरी फॉर्मेटिंग दैट वी वॉन्ट।
इमेज इमेज जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिला के बन जाता है, तो ये काफी हैंडी रहता है हमारे लिए कई बार। ठीक है, सो फिर वो टाइटल कैसे आया वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ बस अभी बता देता हूँ टाइटल कैसा है, एक सेकंड। आई विल फर्स्ट ओपन द डॉकेक्स फाइल। एक्चुअली मैं एब्स्ट्रैक्ट डॉट एच टी एम को पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं उसी चीज को करूंगा अभी। सो यहाँ पे हम व्यू में थे, प्रिंट लेआउट में थे, प्रिंट लेआउट से वेब लेआउट पे आए हम लोग ने। वेब लेआउट पे आने के बाद हमको ये दिखने लग गया ये कंटेंट हमारा। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फाइल में गए, सेव एज किए। सेव एज में जैसे मैंने सिलेक्ट किया जिस फोल्डर में मुझे उसको सेव करना है, उसके बाद सेव एज टाइप में हमने एच टी एम वेब पेज एच टी एम एस टी एम एल वाला जो एक्सटेंशन है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये चेंज टाइटल में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे चेंज टाइटल लिखा हुआ है वहीं पे, अभी सेव नहीं करे अपन ने, वी हैव नॉट सेव द एच टी एम एल फाइल। यहाँ पे देखिए चेंज टाइटल में आना है। चेंज टाइटल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि कौन क्या टाइटल आपको रखना है। मैंने इसको टाइटल रखा माई वेब पेज। माई वेब पेज करके मैंने ओके दबाया तो देखिएगा यहाँ पे पेज टाइटल दिखा रहा है माई वेब पेज करके। सर आपका कुछ दिखा नहीं रहा, आपकी फोटो आ रही है बस, लेकिन वो ओके शेयर नहीं हो रहा मेरे ख्याल ओके से। ओके 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 एक सेकंड। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली मैं आई विल शेयर द विंडो। ओके सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक, ये दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है? आप आया सर। हाँ, ठीक। चलिए तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि आपको वेब पेज सेव एज वेब पेज सिलेक्ट करना है। सेव एज वेब पेज करने के बाद उसके बाद यहीं पे दिया है चेंज टाइटल, इसी विंडो पे चेंज हाँ टाइटल दिया हुआ है, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ आ गया ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ में आ गया। ठीक, ओके ना, ठीक ओके है, ये करने के बाद सेव कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स योर एच टी एम एल पेज। चलिए अब एक सेकेंड, एक और चीज मुझे बताना था। हाँ चलिए, वी अगेन हैव कम बैक टू द डॉकेक्स फाइल। तो सभी से वी रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना डॉकेक्स फाइल फिर से ओपन कर लीजिए, जो हम लोग अभी मैंने सैंपल भेजा था उसी को फिर से ओपन कर लीजिए। अच्छा ये हाँ ठीक, अभी हम जो है ठीक, और इसमें और क्या ऑप्शंस हम देख सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे दैट विल बी मेल मर्ज। एक काफी बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जिसको हम करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग अवर डॉक्यूमेंट टू सेंड मेल टू से टू क्रिएट लेटर्स, इनविटेशन लेटर्स टू वेरियस पीपल। सो यहाँ पे सोच लीजिए कि ये आपका कंटेंट है। जैसे यहाँ पे अभी देखेंगे मैं एब्स्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबको ये होपफुली दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, से दिस इज योर लेटर दैट यू वांट टू सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। सो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको एड्रेस वाला पार्ट चेंज करना है, टू वाला पार्ट एंड एड्रेस वाला पार्ट को आपको चेंज करना है, बाकी का कंटेंट सेम है। ये अपना कंटेंट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट डॉट डॉकेक्स वाला फाइल, इसका कंटेंट पूरा सेम है। सिर्फ हमको करना ये है कि ये अलग अलग रेसिपिएंट्स को जाना चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग नेम्स मेरे पास हैं, उनके डेजिग्नेशंस हैं और उनका जो है वो एड्रेसेस हैं। तो उसको कैसे करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी लोग साथ साथ करते जाएं। एब्स्ट्रैक्ट वाले लेफ्ट साइड में देखिए, एब्स्ट्रैक्ट जहां लिखा है कैपिटल ए के लेफ्ट साइड में मैंने क्लिक किया है और मैंने एंटर दबाया है। ठीक, सो एज सुन एज आई प्रेस एंटर देखिएगा एक स्पेस बन गया ऊपर में। ऊपर में स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे आई वॉन्ट टू इंसर्ट द टाइटल, जो पर्सन नेम एंड एड्रेस और डेजिग्नेशन वगैरह मुझे इसमें इंसर्ट कराना। ठीक, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे इंसर्ट करना है जहां पे अभी कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ठीक, तो हमको क्या करना था, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर एक जगह खाली बनाना था, वो अपन ने अभी बनाया है। ठीक, होपफुली सबका एक खाली जगह बन गया है। यस सर।
ठीक, चलिए आप फिर, हाँ चलिए आप एक साथ सब लोग करना शुरू करेंगे। अब मेलिंग्स में जाएंगे, मेलिंग्स पे क्लिक करिए, मेलिंग्स में जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है और क्लिक करिए, स्टार्ट मेल मर्ज पे जाके क्लिक करेंगे, और लास्ट का जो ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इसको यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ये सबको मिल रहा है? हाँ सर। ठीक, यस सर। क्लिक, चलिए थैंक यू, क्लिक कर दिया अपन ने। राइट हैंड साइड में देखिए मेल मर्ज का ऑप्शन आ चुका है, लेटर्स, ईमेल एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, तो लेटर्स में ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग लेटर बना रहे हैं, लेटर में सिलेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, देखिए नीचे में स्टेप वन ऑफ सिक्स लिखा हुआ है एकदम बॉटम में, देखिए उसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड है, यही करंट डॉक्यूमेंट हमको यूज करना है, ठीक है। सो वी कैन यूज स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर ऑलरेडी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, लेटर बना हुआ है मेरा, उस पर हम जा सकते हैं। अभी हमारा लेटर ओपन है, इसी पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यूज करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, नीचे देखिएगा स्टेप टू ऑफ सिक्स लिखा हुआ है नीचे में, इसमें क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। सो सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करने के बाद यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप ए न्यू लिस्ट, तीन ऑप्शन है अपने पास। इसमें से हम लोग जो है अभी, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल फाइल होता या CSV फाइल होता जिसमें हमने नेम्स रखे हुए थे तो वो यूज कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास कोई एक्सेल फाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाएंगे। सो टाइप ए न्यू लिस्ट पे जाना है, उसके बाद फिर क्रिएट पे जाएंगे। ठीक, यहां तक सभी लोग पहुंच गए हैं? हाँ सर। यस सर। ओके थैंक यू। चलिए क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से कॉलम्स आपको यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे कॉलम्स ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, तो आप कॉलम्स को जो यूज कर सकते हैं, जैसे आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या तो कस्टमाइज जा सकते हैं, देखिए नीचे में कस्टमाइज कॉलम्स करके बटन दिया हुआ, सो कस्टमाइज कॉलम्स में जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे जो है बता रहा है कि टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम वगैरह वगैरह क्या क्या चाहिए आप। सो अभी जैसे एज्यूमिंग दैट वी आर गोइंग टू सेंड अवर लेटर टू से ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, उसको मैं उनको भेजना चाहता हूँ, तो टाइटल रहेगा, ठीक है, सैल्यूटेशन जिसको बोलते हैं वो रहेगा, फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, कंपनी नेम जो है हमारा इसको हम एडिट करते हैं, देखिए यहाँ पे कंपनी नेम लिखा है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, इसको हम रिनेम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में रिनेम का ऑप्शन है, रिनेम कर रहे हैं कंपनी नेम जो है उसके लिए हम लिखेंगे कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, ठीक, कॉलेज नेम आ जाएगा। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। शेयर तो कर रहा हूँ मैं, इट विजिबल सर, विजिबल है, विजिबल है सर, विजिबल है, विजिबल है सर, नेट स्लो हो गया उनका, नेट स्लो हो गया ना, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, कई बार क्या वीडियो ऑन रहता है ना तो भी काफी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप जब पॉपअप खोलता है ना आपका, तो वो नहीं शो होता है सर, जब आप कॉलेज पे क्लिक किए ना तो आपका जो कॉलेज नेम वाला पॉपअप आया ना सर, वो नहीं शो होता है। ओके ओके जी सर, एक सेकंड, फिर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको स्टॉप करके फिर से दिखाता हूँ। ओके सर, अभी दिख रहा है क्या? यस सर, हाँ सर दिख रहा है सर। ठीक ठीक अच्छा, वो पॉपअप विंडो आता है तब शायद गड़बड़ हो जाए। जी सर, आप रीनेम पे क्लिक करते हैं ना उसके बाद सर नहीं दिखता फिर। हाँ ठीक 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 चलिए यहाँ तक सब लोग पहुंच गए ना? हाँ सर सब पहुंच गए। चलिए कॉलेज नेम हमने डाल दिया यहाँ पे, देखिए इस कॉलेज नेम को जैसे एडिट हमने रिनेम किया था, कंपनी नेम था उसको रिनेम किया था, सो रिनेम्ड इट टू कॉलेज नेम, है ना। उसके बाद एड्रेस लाइन वन,
और उसके बाद फिर से एड्रेस लाइन टू की जरूरत नहीं है, तो एड्रेस लाइन टू को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सिटी और स्टेट और जिप कोड, ठीक, सिटी स्टेट रहने देते हैं। जिप कोड को अभी फिलहाल के लिए जो है आप रिनेम कर देते हैं, इसको पिन कोड कर देते हैं, जिप कोड को कर देते हैं पिन कोड। ये पिन कोड बन गया। कंट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, कंट्री को डिलीट कर देते हैं, फोन को डिलीट कर देते हैं। सर ये जो डिलीट कर रहे हैं दोबारा वापस मिलेगा हमें? हाँ मिल जाएगा, जब हम दोबारा से क्रिएट करेंगे दोबारा आएगा ये ऑप्शन? मिल जाएगा, मिल जाएगा दोबारा, जैसे आप फिर से मतलब इसको बंद करके फिर से शुरू करेंगे तो मिल जाएगा। खैर अगर नहीं भी मिलता है तो आप कस्टमाइज करके रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो जो है इसमें आ गया है भाई, जनरली डिफॉल्ट में सब मिल जाता है। चलिए यहाँ पे जो है अभी एक सेकेंड, ये पहला एंट्री हम दे देते हैं, पहला एंट्री को टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर अगर है कोई, फर्स्ट नेम से ए बी सी डी, लास्ट नेम जो है 1 2 3 4, कॉलेज नेम से बी आई टी दुर्ग, एड्रेस है से दुर्ग, सिटी है दुर्ग एंड स्टेट इज छत्तीसगढ़ सी जी, एंड से दिस इज 491001। तो ये पहला आपका एंट्री हो गया, ए बी सी डी इज द नेम, ठीक है। आप नेम को कोई वैलिड नेम लिख लीजिए, जैसे जैसे रवि, रविकांत शर्मा, ठीक, तो लेट इट बी ए वैलिड नेम। चलिए ये हो गया अपना, ठीक। अब जैसे टैब दबाएंगे, टैब जैसे दबाएंगे, टैब दबाते दबाते आप लास्ट में आने के बाद अगर क्लिक करेंगे तो न्यू लाइन, न्यू एंट्री क्रिएट हो जाएगा, या तो फिर आप चाहें तो न्यू एंट्री को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं जहां पे आपका पहला एंट्री है उसके वहीं पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, उसमें न्यू एंट्री को क्लिक करने से इट विल क्रिएट ए न्यू एंट्री, ठीक। सो यहाँ पे से मिस्टर, एक और एंट्री लगा देते हैं, दो एंट्रीज या तीन एंट्री करते हैं, आप तो अपनी मर्जी से तीन एंट्रीज डाल दीजिए। सो आई एम राइटिंग डाउन सम नेम्स, सही, जो नया वो बना उसको डिलीट कैसे करें? कौन सा से नया लाइन तो बन गया लेकिन उसको डिलीट कैसे करें? जैसे ये नया लाइन, जैसे मैं अभी नया लाइन में हूँ, जिस लाइन में भी हम हैं उस पे कर्सर क्लिक कर देंगे और डिलीट एंट्री पे क्लिक कर देंगे, नीचे में डिलीट एंट्री है। ओके ठीक है सर। हाँ ठीक, चलिए ये हो गया रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ है, आई डोंट नो द पिन कोड 490000 से, फॉर एग्जांपल दिस इज सम पिन कोड, ठीक। तीन एंट्रीज कर देते हैं, से सम एंट्री, तीन एंट्रीज कम से कम कर दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सो आई हैव एंटर थ्री नेम्स, अलग अलग थ्री नेम्स मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा बन गया एड्रेस लिस्ट। सो अगर आपके पास, अगर यही चीज को आप अगर एक्सेल शीट में बना के ऑलरेडी रखे होते तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेल शीट को यहाँ पे यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग ने बना लिया है। सो इसको हम क्या करेंगे, बनाने के बाद हम ओके प्रेस कर देंगे, यहाँ पे देखिए ओके वाला बटन है, इसको प्रेस कर दीजिए, ठीक। अब जो है वो बोल रहा है कि किस नाम से इसको सेव करना है, अभी वो सेव भी करेगा इसको, तो सेव करते वक्त जो है हम इसका नेम दे देते हैं माई कॉन्टैक्ट्स, ये MDB फाइल बनाएगा, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल एक्चुअली रहता है ये, तो वो माई कॉन्टैक्ट्स करके मैंने ऐसे जस्ट आई हैव गिवन अ नेम माई कॉन्टैक्ट्स और सेव कर देते, ठीक।
सो माय कॉन्टैक्ट्स करके सेव कर रहे हैं, डॉट एमडीबी फाइल सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेल मर्ज रेसिपिएंट्स को देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ ये विंडो सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक, चलिए मेल मर्ज वाला जो रेसिपिएंट लिस्ट आ गया है। ठीक, ये डेटा सोर्स है माय कॉन्टैक्ट का, उसमें ये सब चीजें हैं, उसने अपने से अरेंज किया हुआ है। ठीक, चलिए अब हम जो है इसमें से जैसे इसने अपने हिसाब से कॉलम्स को बना वो सेटअप कर दिया है, हम टाइटल को ड्रैग करके पहले ले आएंगे, फिर फर्स्ट नेम को ड्रैग करके लास्ट नेम के पहले ले आएंगे। एड्रेस लाइन वन जो है वो ठीक है, सिटी भी ठीक है, स्टेट भी बराबर है। अच्छा, उससे पहले कॉलेज नेम चाहिए था एड्रेस से पहले, तो कॉलेज नेम को ड्रैग ड्रॉप करके उस पर पोजिशनिंग करेंगे। पिन कोड लास्ट में ठीक है, तो ये जो पोजिशनिंग है इसको आपको यहीं पे करना रहेगा। ठीक है, सो मैंने टाइटल को सबसे पहले ले आया, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर कॉलेज नेम है, फिर एड्रेस लाइन वन है, उसके बाद सिटी, स्टेट, पिन कोड। सो दिस फॉर्मेट वी हैव क्रिएटेड, अब ये हमारे हिसाब से बन गया, क्योंकि जब इंसर्ट होगा तो इसी फॉर्मेट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ने अपने हिसाब से सेटअप कर लिया, ये सभी लोग ने कर लिया है, ओके कर दिया? यस सर। चलिए ओके कर दीजिए। ठीक, ओके करने के बाद उसके बाद देखिए नीचे में आ गया स्टेप 3 of 6 आया, उसमें राइट योर लेटर, उस पर क्लिक करेंगे। राइट योर लेटर के में ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक लिखा हुआ है, इंसर्ट फॉर्मेटेड एड्रेस। ठीक है, तो ये एड्रेस ब्लॉक को हमको इंसर्ट कराना है। ठीक, अभी हमारा कर्सर कहाँ पे है देखिए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ब्लिंक कर रहा है कर्सर, वहीं पे एड्रेस ब्लॉक जो है वो इंसर्ट होने वाला है। सो वी इंसर्ट द एड्रेस ब्लॉक। अभी हम ऑब्जर्व करेंगे कि एड्रेस ब्लॉक जो हमको दिख रहा है वो हमको ठीक से दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए इंश्योर करेंगे। सो प्रीव्यू में दिख रहा है जैसे मिसेस गायत्री ठाकुर लिखा है, भिलाई लिखा है, भिलाई सीजी लिखा है, लेकिन इसमें उसका उनका जो है ये नहीं लिखा, क्या नाम, कॉलेज नेम नहीं दिख रहा। हाँ, कॉलेज नेम नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, मैच फील्ड्स में जाएंगे। देखिए करेक्ट प्रॉब्लम्स में लिखा है ना, नीचे में देखिए मैच फील्ड्स लिखा हुआ है। यस सर। मैच फील्ड्स में जाएंगे, यहाँ पे देखना है कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टाइटल, उसके बाद है फर्स्ट नेम, उसके बाद है लास्ट नेम, उसके बाद जो है एड्रेस लाइन। ठीक, एड्रेस लाइन चाहिए था, उसके बाद सॉरी एड्रेस लाइन के पहले कंपनी में हमको सिलेक्ट करना था कॉलेज नेम। देखिए कंपनी में कुछ सिलेक्टेड नहीं था, उसमें सिलेक्ट करेंगे कॉलेज नेम। ये सिलेक्शन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये विंडो सबको दिख रहा है, कंपनी में कॉलेज नेम सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग? यस सर। ठीक ठीक, चलिए एड्रेस लाइन वन बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिटी भी ठीक है, स्टेट भी बराबर है, पोस्टल कोड नहीं दिख रहा था, पिन कोड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नॉट मैच लिखा हुआ था, इसमें हम पिन कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज नेम, एड्रेस लाइन वन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये आ चुका है। हमारा जितना भी जरूरत था उसके हिसाब से अपन ने कर लिया है, ओके कर लेंगे इसको। नीचे में ओके वाला बटन है, इसको दबा देंगे। अब देखेंगे आ गया है, मिसेस गायत्री ठाकुर लिखा है, SSCET, भिलाई, भिलाई 491001 CG। अब ये हमारा फॉर्मेट करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट वे वी वॉन्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, आप यहां से चाहे तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं कितने जितने भी हैं रेसिपिएंट, जैसे 3 रेसिपिएंट्स हैं, सभी का नाम और एड्रेस बराबर आ रहा है कि नहीं। आप इससे ये जो एरोमार्क सिंबल है इससे आप इसको देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला जो सिंबल है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। ठीक, ये इंश्योर करने के बाद देन वील प्रेस ओके। ओके प्रेस कर देंगे, देखिए एड्रेस ब्लॉक आ चुका है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ गया। यस सर, आ गया। ठीक, अब अपना काम हो चुका है, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेप 4 of 6 में जो लिखा है राइट कॉर्नर बॉटम में, स्टेप 4 of 6 प्रीव्यू योर लेटर्स। सो प्रीव्यू करते साथ ही आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए पहला नेम आ गया, उसके बाद नीचे स्क्रोल डाउन करते जाए, ठीक है,
ये वो फिर से पहला, बता दीजिए कैसे आया ये नाम। ठीक देखिए प्रीवियस स्टेप में जाना है। देखिए हम लोग ही थे सिलेक्ट, यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट में थे, ठीक है। वी हैड क्रिएटेड अ लिस्ट, फिर राइट योर लेटर पे गए थे। राइट योर लेटर पे जाने के बाद एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किए थे, यस सर। ठीक है। एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करते साथ ही बाकी का डिटेल्स जो है हमको दिखा था, जिसमें हम लोग ने जो है, जैसे मैं फिर से एड्रेस ब्लॉक को यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एड्रेस ब्लॉक क्लिक करने के बाद हम लोग को ये प्रीव्यू बताएगा। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो प्रीव्यू में बताएगा कि दिखेगा कैसे अगर एड्रेस जब प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमको क्या था कि हमने हमने देखा कि इसमें जो कॉलेज का नेम है वो दिखा नहीं रहा था, तो हमने मैच फील्ड्स में गए। नीचे देखिए यहाँ पे मैच फील्ड्स है। मैच फील्ड्स में जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूरा फील्ड्स बताना शुरू किया इसने। तो यहाँ पे टाइटल बराबर है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम में लास्ट नेम दिख रहा है, वॉइस लैग हो रही सर, कंपनी के। बहुत आवाज नहीं आ रही। ओके ये कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है लग रहा है। ठीक, अभी ये दिख रहा है, विंडो दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ बस इसमें मैच करवाना है, जैसे कंपनी के जगह में हम लोग ने कॉलेज नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें जैसे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है, तो कॉलेज नेम को सिलेक्ट कर लिया अपन। ठीक, ऐसे करके जो है हमारे जो जरूरत के हिसाब से जो भी हमको दिखाना था, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सभी फील्ड्स अपने हम लोग ने यहाँ पे इंसर्ट करवा लिया, मतलब इसको सिलेक्ट करवा लिया। फिर ओके दबा देंगे। ओके क्लिक करते साथ ही ये फॉर्मेट आपको दिखाने लगेगा प्रीव्यू में, और इस प्रीव्यू को अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ओके दबा देंगे। ठीक, प्रीव्यू को ओके कर देंगे तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ गया है। एड्रेस ब्लॉक आने के बाद प्रीव्यू योर लेटर्स करके ऑप्शन है नीचे में, स्टेप 4 of 6 जो लिखा है नीचे में, यहाँ पे क्लिक करेंगे सो यू कैन प्रीव्यू द लेटर। ये पहला लेटर आपको दिखा रहा है। अब देखिए रेसिपिएंट का, देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, हाँ इसमें आप अगर रेसिपिएंट्स को आगे बढ़ाएंगे तो आपको अलग अलग रेसिपिएंट्स का नेम वगैरह डिटेल में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के लिए दिया है। ठीक है, अब कंप्लीट मर्ज करना है। कंप्लीट मर्ज कर रहे हैं, स्टेप 5 of 6 कंप्लीट मर्ज कर रहे हैं। कंप्लीट मर्ज करने के बाद यहाँ पे देखिएगा प्रिंट करने का ऑप्शन आया है। कंप्लीट मर्ज करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, मर्ज टू प्रिंटर, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो बोलेगा प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स। ओके, ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर सकते हैं आप, चाहे तो रिकॉर्ड नंबर दे सकते हैं, तो जनरली ऑल रिकॉर्ड्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके कर देंगे। अब ये पूछेगा कि आपको कहाँ प्रिंट करना है, उसको प्रिंटर पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रिंटर पे डायरेक्टली नहीं जाना है, जैसे मेरे इसमें पीडीएफ में ऑप्शन है मेरे पास, तो आई कैन क्रिएट अ पीडीएफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर दूं पीडीएफ पे और ओके कर दूं, तो वो पीडीएफ में प्रिंट करा देगा पूरे कंटेंट को। और अगर हम नहीं चाहते हैं, जैसे पीडीएफ में प्रिंट नहीं कराना है, अभी मुझे सिर्फ देखना बस है, प्रिंट वगैरह नहीं करना है, तो इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे नीचे देखिए ओके और क्लोज है, तो क्लोज कर देंगे। एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में प्रिंट के नीचे में एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। तो आप देखेंगे इसको स्क्रोल करके देखिए, इसी में पूरे लेटर्स वो आपको दिखा देगा। देखिए सभी लेटर्स इसमें दिख रहे हैं कंटेंट के साथ, अलोंग विद द रेसिपिएंट्स एड्रेस एंड डिटेल्स। ठीक है, तीन तीन लेटर्स बना देगा वो, बिकॉज तीन रेसिपिएंट्स थे तो तीन लेटर्स बनाएगा। ठीक है, बस एड्रेस वाला पार्ट चेंज रहेगा, बाकी कंटेंट सेम है। ठीक, होपफुली सबका ये दिख रहा है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है वो। यस सर। हाँ, ये जो है लेटर्स 1.docx करके इसने बनाया हुआ है, इसको आप सेव कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट यू कैन सेव इट, सेव एज पे जाके अब इसको सेव कर सकते हैं, तो आपका docx फाइल बन जाएगा, एमएस वर्ड डॉक फाइल बन जाएगा। ठीक है, प्रिंट, हाँ प्रिंट, प्रिंट में नहीं जाना है। हाँ सर, प्रिंट में जाके वो पीडीएफ में कैसे सेव करें, क्योंकि हमारे में प्रिंटर तो ऐड है नहीं।
हाँ तो हम उसमें अगर उसको ऑप्शन होगा ना आपके पास, कई बार क्या होता है कि जब हम अपना ये एमएस वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक पीडीएफ प्रिंटर उसमें रहता है, तो अगर है तो उसमें आप डायरेक्टली उस पीडीएफ बना देगा, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रिंट के नीचे वाला ऑप्शन उसको सिलेक्ट कर लीजिए। है पीडीएफ प्रिंटर है सर। हाँ बस हो गया, फिर तो पीडीएफ बन जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको पूरे को अगर एज ए डॉक फाइल रखना चाहते हैं, डॉकएक्स करके आप रखना चाहते हैं एज ए एमएस वर्ड डॉकएक्स फाइल, तो आप प्रिंट के नीचे वाला जो ऑप्शन है ना उसको क्लिक कर दीजिए, एडिट इंडिविजुअल अच्छा लेटर्स करके जो है उस पर क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल बना देगा ये विद द सेम कंटेंट विद डिफरेंट रेसिपिएंट्स, अलग अलग पेज में अलग अलग रेसिपिएंट्स है इसमें। अब इसको एज ए होल डॉट के किस फाइल आप इसको सेव एज करके अपने पास रख सकते हैं फॉर योर रिकॉर्ड। ठीक, यहां तक सभी का हो गया है? ठीक यस सर। है, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकेंगे। सो एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे? नो सर, बट जैसे आप 2019 में वर्क कर रहे हैं, हम जी लोग का जी जी 2016 है, कोई बात नहीं, सेम चीज है, तो उसमें आपको स्टेप सेम सेम है मिलेगा, ना, सेम तो कोई एग्जैक्टली फर्क तो सेम, नहीं नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पायरेटेड एक्सक्यूज मी सर, है सर, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलेगा ना, सर हाँ सॉरी। एक डाउट था जी पूछिए। सर, जैसे आपने सर तीन सेपरेट फाइल्स बन गई और सर जब जी हमने सेव किया तब एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में सेव हो गया सर, अगर मुझे हाँ तीन सेपरेट डॉक्यूमेंट्स में सेव करना हो तो क्या मुझे सेपरेट कॉपी पेस्ट करके तीन डिफरेंट फाइल्स एक्सप्लिसिटली बनानी पड़ेंगी या फिर कुछ और तरीका नहीं, है? जनरली क्या है जो मेल मर्ज का मेन इंटेंशन क्या होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट में सभी के नेम्स के साथ पूरा कंटेंट हो, तो एक ही बार प्रिंट करेंगे ना तो सबके लिए लेटर्स प्रिंट आउट होके निकल जाएगा, ओके सर, तो वो पर्पस के लिए रहता है। अगर आप चाहें तो जैसे अभी जो अभी अपना डॉक्यूमेंट बन गया था, जैसे ये बना हुआ है, अभी ये डॉक्यूमेंट अपना बना हुआ है, इसको आप चाहें तो इंडिविजुअली कॉपी पेस्ट कर करके ना आप कर सकते हैं, जैसे यहां से लेकर, जैसे यहां से लेकर मैंने यहां तक ये पहला लेटर हो गया, जैसे ये पहला लेटर हो गया तो इसको मैं कॉपी कर लूं दूसरे जी सर, वो डॉकएक्स फाइल में सेव कर लूं, वैसे भी कर सकते तो। लेकिन इंटेंशन ये नहीं है, इंटेंशन क्या था कि एक ही फाइल में सब कुछ आ जाए और उसी को यूज करके डायरेक्टली प्रिंटर प्रिंटर को दे दिया जाए, प्रिंटिंग करके निकाले और उसको लेटर्स को जो है पोस्ट कर दिया जाए, उस पर्पस के लिए इसको किया गया। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए चलिए।